समझ ले बतावल गई। हमारे देश का रहने वाला एक जवान सोना के नाम बतावल गई अतुल घोष। अतुल घोष के पिता देश के सेवा में शहीद हो गई और एकलौता बेटा रहे अतुल घोष, माई विधवा हो गई पंचू। लेकिन हमारे देश में भारतवर्ष में बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा था बाबू। बतावल गई बिहार दरभंगा के अंतर्गत गोपुर थाने का थाना अध्यक्ष सोना के नाम बतावल गई बलवंत सिंह। बलवंत सिंह बहुत बड़ा अत्याचारी रहलन हमारे देश के बहन बेटियन के छबरियन अश्मन से खिलवाड़ करना, अन्याय करना, मर्यादा को लूटना, ये बतिया के खबरिया मिलल के वही अतुल घोष के। अतुल घोष के जब खबरिया मिलल है अतुल घोष से बर्दाश्त ना भेल। 12 क्रांतिकारी जवानन का टोली सजा ले रहे पंचो, टोलिया सजा के अतुल घोष चललौन है। कैसे चलना एक लाइन गीत मिलल गुरुजी के जमाने के गीत बा, बड़ी अच्छी गीत है बाबूजी। इशारा है का के दिल दे ताहे, कि दिल दे ताहे रो रो दुहाई की कोई लाला अतुल घोष 12 जवान का टोली सजा लेवा और चलो तो कैसे चलो मास भैया बोली बोले कबोली बोले इनका लाप चिंदा बात हो ना जात हो तिरंगा झंडा लेके बाबू आगे आगे जवान चला है और पीछे पीछे 12 जवान हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के नारा लगा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं बाबू। धीरे धीरे आगे बढ़ल पहुँचला कहाँ दरभंगा बिहार गोपुर के थाने के अंतर्गत गेट के पास पहुँचल हमन नारा लगावत हमन सुनता है
देखता है बलवंत सिंह, करता क्या है बाबू? अरे बलवंत सिंह देखा काटकारी चोरी समानवा 12 जवानन का टोली इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगावत है। कौन खबल गया, रोम रोम फड़क गया बलवंत सिंह का बाबू। आता है देखता है गेट के पास आया है और उसमें हाथ में बंदूक उठा करके हो बाबू पार हो क्रांतिकारी जवानों को अपने गोली से भून दिया, मौत के घाट उतार दिया साथियों। पार हो जवान धरती माँ के गोद में सदा सदा के लिए सो गए साथियों। लेकिन एक खबरिया के बेटवा के मरण का खबर पौली जब बुढ़िया माई अतुल घोष के हो, बुढ़िया माई रोवत बाड़ी विदेशिया माओ हो। ये बेटा के रहला सिपाही बेटा अरे तो देखा के करा सिरोपुर बधी बेटा फाना माई की रुदनवा की ए बाबू सड़ला तो सुना सारा दासताना तो बलवंत पपिया की ए बेटी आइल गरदिया हो अरे तो गोली के सितारू मैले ओही गोपुर गौर करिहन बात के ऊपर बुढ़िया माई बेटवा का मरण के खबर सुन के हो बाबू दिन रात सुबह शाम रोवत बे। कुछ दिन के समय बीत गयी लेकिन वही दरवाजे पर बुढ़िया माई प्रतिदिन सुबह शाम बेटवा के याद में तड़पे रोवे बाबू। वही बगल पड़ोस के रहे वाली लड़की चौना का नाम बतावल गयी सोलता, सोलता माई के रुदन के सुन के प्रतिदिन रोज रोज के बर्दाश्त ना भइल सहन ना भइल बाबू। सवेरे सवेरे बुढ़िया माई रोवत बाड़ी सोलता पहुँचलिन माई के अखिया कैसिया पोच के कहले गरज कर बोली बाला तब, अरे गरज कर बोली बाला तब जिसमें स्वदेश प्रति प्यार नहीं, अरे उसका जीना भी क्या जीना धरती का बनभार यही, अरे जब तक भैया का बदला जब तक भैया का बदला पापी से नहीं चुकाऊंगी सांस
जीना शान से मरना शान सबक सिखलाओ। और करी हम और समय भैल का बाबू सुनलता कैली का शैली में बिराहता है। अरे तब बगावत लेके आधी चल पड़ी, कौर करेंगे बाबू यहाँ भैया का बदला चुकावे खातिर अतुल घोष का भैया का बदला सुनता कैली का गीत लगल। समर के एक ब्राह्मणा एक नाचे वाली नर्तकी का रूप बनौली बना के बाबू हो चोली में एगो पिस्टल छुपा के लेके चलली है। पता मिलल पेपर के द्वारा कि कल के डेट में भगवंत सिंह अपने साथियों के साथ में थाने के अंतर्गत जन्मदिन मनाएगा। सज सवर के सोलता पहुँचल बा, जब पहुँचल गेट के पास आवाज दिलस, जब आवाज दिलस उस समय बलवंत सिंह देखा है बाबू आकर के गेट को खोला, अंदर प्रवेश करती है सोलता और जाके बीच में लोगों के सामने वही ड्रिंक का जो बॉटल था बाबू ढा धर के पिए पियावे लगली। ये फिल्म का काज हो वे गीत बा, जैसे प्यार दे जैसे प्यार दे प्यार दे प्यार दे लेकिन लोगों के हरमावे बदे देखे अपना करता है सोलता कहा थे नाचत थे गावत थे लोगों का मन मुक्त करत थे का I love you, love you, love you, I love you. नशे में लोट फोट होए लगली
ओ समय सोलता बाबू निकाल के पिस्टल मामा लोगन के तर 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 मारे शुरू हे मास्टर भैया मारे लगली। ओ समय मौत के घाट उतर ली। ओ समय सोलता देख ली हा मरना के बाद तुरंत फौरन निकल गई बाबू निकलनी समय बड़ी हो चल रात का बेला हा देखत बारी कि कैसे बची। ओ समय जाते एक दुकान से एक पढ़े वाली छात्रा का रूप बनौली कापी खरीदली बाबू दौड़ के हर जाती है बाबू दरभंगा बिहार स्टेशन गाड़ी छूट चुकी थी दौड़ करके ट्रेन को पकड़ती है सोलता सवार होके चल दी। लेकिन यहाँ एक लाइन गीत है लास्ट बिरहा का गीत शायद हल्ली बाबू ने छात्र के रूप पाला अपन बनाई और भागत भागत कट बनारस भागत भागत आप जो बनारस कैंट आईली बाबू कैंट आके उतरली रात का 12 बजत बा सोचत बड़ी बाबू जाई तो जाई कहां एगो नाम वाला चर्चा में रहल सुनले रहली रोही बनारस कैंट के कुछ ही दूरी पर राजेंद्र लहरी जी का मकान था बाबू पहुंचती है सोलता 12 बजे रात के बेला में और जाकर के बाहर से सिकड़ी खटखटाने लगती है दरवाजा के राजेंद्र लहरी जी खोलते हैं बाबू दरवाजा खोलो देखत बड़ा कि दरवाजे पर एक जवान लड़की खड़ी है पूछ बैठते हैं कि बहन अपना नाम बता दे तू कहाँ से आई है क्या तेरा नाम है अपनी पता तो बतला दे सोलता कहती है कि भैया हमरा की पता बतौला के कौनो जरूरत नहीं बा सुबेरे पेपर गजट होखी पेपर में आप पढ़ लेन खुद पता हो जाई कि हम कहाँ से कैसे अली काहे अली आपके पता हो जाई। सोलता से राजेंद्र लहरी जी कहला कि ठीक है बहना घर के अंदर आओ हम लोग की तैयारी है ताकोरी में ट्रेन लूटने की तैयारी बन चुकी है इसी मकान में ठहरो हम लोग निकलने वाले हैं समय हो चला है हुआ क्या मोहब्बत से भाव सत्या टेंट हाउस रवि सिंह बड़े भैया जी को से बहुत रुपया प्रणाम हो आशीर्वाद की कामना कहना है के सज के निकली ए बाबू सज के निकले क्रांति वाली टोली होली खेलेंगे अरे सज के निकली
का बेटर आप चोर से। अच्छा बहुत रुपया पुरस्कार भैया, गौर करें हम। अरे काकोरी बैठे लूट कर, अरे बागी हुए फरार हो, फंसी कटिले तारों में तब हई बाला हुई लचार हो। अरे पास हुई है चाहे चढ़ भाई सोनी हो खेलेंगे, अरे भले चला दो ऊपर पानी हो लिखेंगे। अरे बाबू काकोरी में ट्रेन लूट करके लोग कामयाब हो गए, फरार हुए निकल चले, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं हुआ। साथियों वह सोनलता लड़की हट करके साथ में चली है। इधर सोनलता का कपड़ा जो है बाबू कटीले तारों में फंस जाता है, लाचार विवश हो जाती है सोनलता। सेक्शन पुलिस पकड़ लेते हैं लोग, गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय सोनलता से मार मार के पूछते हैं पता को कि है लड़की उस टोली का पता बतला दे, उस टोली का गवर्नर कौन है, उस टोली का पता बतला दे, कहाँ की टोली रहने वाली है। लेकिन सोनलता पता नहीं बतलाती है बाबू। उस समय पापी करते क्या है आला में भाव। अरे बाबू मार मार के कोड़न से सेक्शन पुलिस सोनलता के पूरी शरीर लहू से लथपथ हो जाती है बाबू। निवस्त्र कपड़े को फाड़ के फेंक देते हैं। निवस्त्र हालात में पापी सेक्शन पुलिस इधर सोनलता से पूछते रह गए पता को नहीं बदलाई। सोच में कि ये पता नहीं बदलाएगी, अभी से ही जान से मार दिया जाए। और समय सोनलता को उसी काकोरी चौराहे के अंतर्गत लाते हैं बाबू। चौराहे पर लाके चारों हाथ पैर खंभे में बधवा देलक, सोनलता के बधवा दिए बाबू। आंख से झरझर झरझर आंख चलत थे सोनलता के, जैसे हर एक मुजरिम से आखिरी इच्छा पूछल जाले। पापी इच्छा पूछते हैं कि ये लड़की अपना तू आखिरी इच्छा बतला दे, क्या खाने की इच्छा है, किससे मिलने की इच्छा है।
सुन लता कहती है कि पापी गद्दार, अगर मुझे मिलवाना चाहता है मुझसे तो मेरे उस बूढ़ी माँ से मिलवा दे पापी, मुझे खाने की कुछ इच्छा नहीं है। पता बतलाती है, आते हैं लोग, वही स्वर्णता की, वो धर्म की माँ जो अतुल घोष की माँ थी बाबू, बूढ़ी माँ आती है, खबर पा करके पहुंची है इधर चौराहे के अंतर्गत, देखती है नजरिया पड़ल बा बेटी के ऊपर, चारों हथवा पैरवा बादल हो, शरीरिया नहुस रनल हो बाबू, इधर कैली का बुढ़िया माई पंधारी में सत्या टेंट हाउस, रवि भैया आपके ओर से बहुत रुपया रहा, आप सब तो पलक की प्रणाम हो, कहना है क्या? अरे तहिन कलाब आई जिन्ना बाजे के, ए बाबू बाल बलिया ब्लाउज के अंदर, बुढ़िया माई हो, एक पिस्टल में जो नाम मात्र दुइये गोली बाबा भू, पिस्टल वही निकाल ली, देख ले कि अब पापी हमारे बेटी के जान ले ले चाहे लन, तो ऐसा इतना बड़ा कमी ना हो खे कि पापी के हाथ से हमारे बिटिया का जान जाए, छुपा के रख ले रही बुढ़िया माई निकल ली, निकाल के पहल की गोलियां बिटिया के सिनेमा में दाग दे ली, और का कह ली टेंट हाउस 21 रुपया पुरस्कार बहुत प्रणाम हो। ए भैया कि सिनेमा में मरली बुढ़िया माई और दूसर की गोलियां खुद के अपने सिनेमा में मार ली, दोनों माई बेटी वही काकोरी चौराहे के अंतर्गत सदा सदा के लिए सो जाती है बाबू। तो हुआ क्या लास्ट को वीरांगना, हमारे भारतवर्ष में इस सरजमी पे ऐसी ऐसी माताएं बहने जन्म लेती रही हैं बाबू, यही से आखिरी कड़ी में कहना है क्या? बिहारी गुरुपत्तो पृछा